दोस्तों हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है नारियल के तेल को लेकर है। नारियल के तेल से मैं एक ऐसा पैक बनाने वाली हूँ जिसको अपनी बॉडी पर अप्लाई करते ही आपको बहुत सारी समस्याओं से निजात मिलेगी। इसके लिए हमें किसी बर्तन में पहले थोड़ा सा नारियल तेल चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा नारियल तेल नहीं लूँगी, बस 2 से 4 बूंद लूँगी और आपको वो पेस्ट बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत थोड़ा सा नारियल का तेल लिया है। अब इसके बाद से इस नारियल तेल में हम डालेंगे बहुत ही थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर इसलिए कि हल्दी का पाउडर जो होता है वो बॉडी की टैनिंग को कम करता है। हमारी बॉडी पर जब भी सन टैन हो जाए तो आप ये वाला पैक मिलाकर और अपनी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं। इस पैक का इस्तेमाल आप अपने पीले दांतों पर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो गंदे पीले दांत होते हैं वो इस नारियल तेल और हल्दी के मिक्सर से भी साफ होते हैं। तो दोनों तरह से आप इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, टैनिंग के लिए या फिर गंदे पीले दांतों को चमकाने के लिए। नारियल तेल से जुड़ी हुई 2 और टिप मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो कॉफी के पाउडर के साथ है। आपको यही कॉफी का पाउडर लगभग 1/4 टीस्पून किसी छोटे से बोल में ले लेना है। ये वही कॉफी पाउडर है जिसे हम कॉफी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद से ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा ऐड करके हम नारियल का तेल यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। एक साथ आपको नारियल का तेल नहीं मिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पर नारियल का तेल कितना मिलाना है। नारियल का तेल और कॉफी के पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसके ग्रैन्यूल्स हल्के हल्के हो जाएं। अब इस पैक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपनी बॉडी की स्क्रबिंग के लिए। जब भी आपको लगे कि आप स्क्रब करवाने बाहर नहीं जा सकते, घर पर ही आपको स्क्रबिंग करनी है, तो इस मिक्सचर से अपनी बॉडी की स्क्रबिंग करिए। फेस की भी, हाथों पैरों की भी, आप देखेंगे आपकी बॉडी में एक अलग सा ग्लो आ जाता है। फेस पर करते हैं तो फेस में एक अलग सा निखार आ जाता है, क्योंकि कॉफी पाउडर हमारे फेस को ग्लो देने का भी काम करता है। तो ये टिप छोटी सी है लेकिन आपके पार्लर के फालतू खर्चों को बचा सकती है। होप करती हूँ टिप आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी हमारी नारियल के तेल को लेकर है। जब भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हों तो आप ले लीजिए एक प्याज। प्याज को भी आपको छीलना है, इसको मिक्सी में पीसना है और निचोड़ कर इसका रस निकाल लेना है। तो प्याज के रस को निकालेंगे और उसमें मिलाएंगे नारियल का तेल। जितना प्याज का रस निकाला है उतना ही नारियल का तेल मिलाइए और उसके बाद से उस मिक्सचर को हल्का सा गर्म करके अपने बालों की जड़ों में अप्लाई करिए। बालों के स्कैल्प पर अप्लाई करेंगे तो हमारे बाल जो है झड़ने बंद हो जाएंगे। ये काम हमें वीक में 2 से 3 बार करना है तो बालों की जड़ मजबूत होती है, साथ ही बालों का झड़ना बंद हो जाता है। ये टिप बड़े ही काम की होती है और आपके बहुत काम भी आएगी। नेक्स्ट टिप है सीजर की धार को लेकर। जब भी आपके घर में सीजर्स हो, उनकी धार थोड़ी सी मोटी हो गई हो, आपको इसकी धार को तेज करना है, तो आप इसे मार्केट लेकर मत जाइए, बस एक छोटा सा काम कर लीजिए। इसके लिए आपको लेना है नेल पॉलिश, कोई सा भी नेल पेंट जो होता है, नया पुराना किसी भी कलर का ले लीजिए। नेल पेंट को उस जगह पर आपको अप्लाई करना है जहां पर आपको लगता है कि सीजर की धार जो है मोटी हो चुकी है, वहां सर ऐसे आपको कोई भी चीज काटने में दिक्कत आ रही है। तो कैंची की दोनों साइड हमें यहाँ पर इस नेल पेंट को अप्लाई करना है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी इसकी एक साइड अप्लाई किया है, कैंची को पलट कर हम इसके दूसरे साइड भी नेल पेंट को अच्छे से लगा देते हैं। नेल पेंट लगाने के बाद हमारी जो नेल पेंट की डब्बी है यानी कि जो शीशी है, वही हमारी कैंची की धार को तेज भी करेगी। यानी कि नेल पेंट से हम अपनी कैंची की धार को तेज कर सकते हैं, बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, जो नेल पेंट की डब्बी हमने ली है उसको अच्छे से टाइटली बंद कर दीजिए और पीछे का जो हिस्सा है मोटा कांच वाला, उस मोटे वाले हिस्से से हमें सीजर की धार पर अच्छे से इसको रगड़ना है। जैसे हम इसको रगड़ेंगे तो जो कांच है यानी कि कांच की शीशी है, उस कांच से धार देने से हमारी जो सीजर की धार है वो बहुत अच्छे से तेज हो जाती है। इसको 1 से 2 मिनट आपको करना है और सीजर के जो दोनों साइड है यानी कि कुल 4 पार्ट्स होते हैं, उन 4 पार्ट्स पर आपको कांच की शीशी से अच्छे से रब करना है। रब करते ही करते आपको समझ में आ जाएगा कि सीजर की धार कितनी बढ़िया तरह से शाइन करने लगी है और ये तेज भी होने लगी है। और सबसे बड़ी बात, हमारी नेल पेंट की जो शीशी है उसे भी कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि पीछे का कांच इतना ज़्यादा मोटा होता है कि हम कितना भी रब करें ये जो है इसको कोई नुकसान नहीं होता, हमारी डब्बी खराब नहीं होती है। अब इसके बाद से जो है हम एक और तरीका अपना सकते हैं कैंची की धार को तेज करने के लिए। इसके लिए आपको लेना होगा स्टील वाला स्क्रबर यानी कि स्टील का जूना, और स्टील के जूने से आप इस नेल पेंट लगे हुए सीजर को अच्छे से रब करिए। अच्छे से रब करते करते आप देखेंगे सीजर की धार तेज होने लगी है, क्योंकि लोहे से लोहा भी जब टकराता है दोस्तों तो वो धार को तेज ही करता है। तो हाथों को बचाते हुए एकदम सिंपल तरीके से आपको कैंची के दोनों साइड इसे अच्छे से रगड़ देना है। रगड़ते ही रगड़ते हमारी कैंची की धार तेज हो जाती है, साथ ही कैंची में अगर कोई गंदगी वगैरह है तो वो भी क्लीन हो जाती है। तो इस तरीके से कैंची की धार को घर पर ही तेज कर सकते हैं बिना इसको मार्केट लेकर गए। हो करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Thank you.